हेलो दोस्तों, तोसी फिशिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे रोहू मछली का चारा, क्योंकि आजकल रोहू मछलियाँ बहुत मिल रही है, तो हमने सोचा कि उन्होंने रोहू मछली के चारे के बारे में इन्फॉर्मेशन दे और देखिए कैसे बनाया जाता है रोहू मछली का चारा। तो इसके लिए हमें लगने वाली कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें लगेगा ये मेरी बिस्किट, ये तो हमें कहीं भी मिल जाएगा, और ये गेहूं का आटा है वीट फ्लावर, और दोस्तों ये है नींबू का रस। इसे हमें पूरा नींबू के रस में ही दोस्तों गूंदना होगा, पूरा मिक्स करना होगा, पानी हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। और ये कलर है दोस्तों एट्रैक्शन के लिए पानी में। तो दोस्तों हमें इस बिस्किट का पूरा आटा बनाना होगा इसके ज़रिए, इससे हम इसमें हमें उसे कूट के पूरा बारीक करना होगा। आप ग्राइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो हम पहले इसे बारीक कर लेते हैं दोस्तों पूरा। जितना बारीक होगा आटे की तरह उतना अच्छा होगा दोस्तों, पूरा बारीक होना ज़रूरी है। दोस्तों मैं वीडियो के हिसाब से थोड़ा बाइट बना के दिखा रहा हूँ, आप फिशिंग के लिए क्वांटिटी में बना सकते हो, और रिज़ल्ट इसका 100% आएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत फिशर्स इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें इसे बारीक कर देते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों आप देख रहे हैं पूरा बारीक हो रहा है, हमें इसे और थोड़ा बारीक करना होगा इसे बिस्किट को। तो दोस्तों अब ये पूरा बारीक हो चुका है, अब हम इसे आटे में मिक्स कर देंगे। देखो दोस्तों पूरा बारीक हो गया है, हमें इतना बारीक करना है इसे। अगर आप फिशिंग स्पॉट पे हो और आपके पास ये ना हो और ना ही ग्राइंडर हो, तो आप उस बिस्कुट को पानी में भिगो के भी बारीक करके आटे में मिला सकते हैं दोस्तों। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर थोड़ा। दोस्तों कलर पे मछली अट्रैक्शन होती है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप अलग अलग कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे नींबू का रस, और इस रस में हमें इसे गूंदना होगा पूरा। दोस्तों ये बाइट हम तिलापिया मछली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें नींबू के रस की जगह पानी इस्तेमाल करना होगा। तो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसे गूंद लेते हैं अच्छा सा। दोस्तों मिक्स हो रहा है अब धीरे धीरे अच्छे से। वैसे दोस्तों मैं मिरज शहर से हूँ, और यहाँ के दो फिशर बहुत ही फेमस हैं यहाँ पे, एक तो है मंजूर फिशर और दूसरे हैं रियाज फिशर। ये दोनों के अभी अपने चैनल है मंजूर फिशिंग और रियाज फिशर नाम से। मंजूर फिशिंग का और एक चैनल है हिंदी फिशिंग बाइट, उस चैनल में आपको सभी मछलियों के बाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी मछली को कौन सा बाइट इस्तेमाल किया जाता है, फुल डिटेल सबको मिलेगी। दोस्तों आप उनके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप उनके सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं तो आप उनके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत बढ़िया फिशर है दोस्तों दोनों, और बहुत बड़े बड़े और यूनिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और बड़े फिश भी
वो पकड़ती रहती हैं, हमेशा हमेशा एक्टिव रहती हैं दोस्तों चैनल पे अपने। दोस्तों हमें इसे अच्छे से गूंदना है दोस्तों, और पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, हमें नींबू के रस में इसे गूंदना है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, तिलापिया मछली के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के रस की जगह हमें इसे पानी में गूंदना होगा। उस पर हम ब्लैक रोहू मछली भी पकड़ सकती है, जिसे कानस भी कहा जाता है दोस्तों, वो मछली भी इस पर लग सकती है इस बेट पर। दोस्तों हमारा बाइट पूरा रेडी हो गया। अब देखो दोस्तों, ज़्यादा जितना चिकना होगा दोस्तों बाइट उतना अच्छा रहेगा, और ज़्यादा इसमें पानी या नींबू का रस मिलाने से वो पतला हो जाएगा दोस्तों। आटा हमें पतला बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जितना घट्टा होगा स्ट्रांग होगा उतना अच्छा होगा। ये देखिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए फुल दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाइट को इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।